Someone has commented to me to make a video on the description of hell in Paradise Lost, which is written by John Milton. So today I am back with the new answer, description of hell. So let's begin. सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले नोट्स को रीड करती हूँ एंड देन उसका हिंदी समराइज करती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों का आंसर जो इजीली समझ में आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल है पैराडाइज लॉस्ट में, उसमें जो हेल का जो वर्णन है वो काफ़ी डार्क किया गया है, एकदम अंधेरा और एकदम ग्लूमी जगह में किया गया है. और यह एक टॉर्चरस प्लेस है जहाँ पे जो है जो लोग सीनर्स होते हैं, जो लोग पापी होते हैं, उन लोगों को उनके क्राइम के लिए जो है वो पनिश किया जाता है. और वो कैसी क्राइम करते हैं, वो गॉड के अगेंस्ट जाते हैं. ऐसी वो लोग जब क्राइम करते हैं, जो हेल है उसको इस जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट उसमें एक कॉजनरी टेल की तरह माना गया है हेल को, जो प्रेजेंट करता है हेल. इसका मतलब ये हुआ कि जो कवि हैं वो रीडर्स को आगाह करते हैं आने वाले खतरे से. और ये खतरा किसके ऊपर आता है, तो उन लोगों के ऊपर जो राइटनेस वाले पाथ को, रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं. मतलब जो रास्ता सही है उसको जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनके लाइफ में ये हॉरिबल्स जो है सिचुएशन आते हैं. यहाँ पर हम लोग पैराडाइज लॉस्ट में हेल के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, और मिल्टन का जो व्यू है वो सीन को लेकर के और रिकवरी को लेकर के, मतलब सीन मतलब होता है पाप, उसको लेकर के उनका क्या व्यू है उसको भी देखेंगे. जॉन मिल्टन ने जो हेल है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी रियलिस्टिकली किया है. लगता है कि जैसे वो सचमुच में वो देखे हों उस स्थिति को. जो हेल है उसको बहुत अच्छी तरह से पैराडाइज लॉस्ट में प्रेजेंट किया गया है, जिसका वर्णन नीचे है. मिल्टन ने हेल को वास्ट और ग्लूमी एम्पायर से कंपेयर किया है और इसको दिखाया है. जो हेल जो है वो बिल्कुल स्मोक से और फायर से पूरा घिरा हुआ है, और जो है वहाँ पे एक लेक है, झील है, जिसमें आग लगी हुई है सल्फर की, और पूरा वहाँ पे धुआं फैला हुआ है और आग लगी हुई है. इस तरह से उन्होंने हेल को डिस्क्राइब किए हैं. जो आउटर स्ट्रक्चर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो हेल का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो जो है वो कई क्षेत्र में बटा हुआ है, और हर एक क्षेत्र जो है वो अलग अलग सीन को इंडिकेट करता है, मतलब पापी वाले क्षेत्र को इंडिकेट करता है, जिसमें जो हेल है उसका जो इनर मोस्ट क्षेत्र है वो सबसे मोस्ट इविल क्राइम के लिए जाना जाता है, जहाँ पे धोखेबाजी, ट्रिचरी, इन सब जो लोग किए हुए रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है उस हेल में. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द रेसिडेंट या इनहैबिटेंट्स ऑफ हेल, मतलब हेल में किन लोगों को रखा जाता है. तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो हेल है वो किसका रेसिडेंट है, तो वो डेविल और जो फॉलन एंजल्स है, फॉलन एंजल उनको बोलते हैं जो गॉड के अगेंस्ट गए थे, जिसमें सैटन, बेलजीबब आते हैं. तो उन लोगों को जो है वहाँ पे घर है हेल में, और उन लोगों को जो एक जेलर की तरह वहाँ पे रहते हैं. ये जो डेविल है उनको क्या डिस्क्राइब किया गया है, कैसा एक मॉन्स्टर की तरह, राक्षस की तरह, और उनके मिस हैपन्स को दिखाया गया है. इन सभी जितने सारे भी जो डेविल हैं उसमें जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट डेविल है वो सैटन है, जो कि इस पोयम में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं, और ये जो है गॉड के अगेंस्ट जाते हैं इस पोयम में. नेक्स्ट जो है वो द पनिशमेंट ऑफ हेल, मतलब जो है उन्होंने किस तरह से हेल में पनिश किया जाता है उसको भी मिल्टन ने बखूबी अपने पोयम में दिखाया है. जॉन जो मिल्टन है उन्होंने जो हेल का जो पनिशमेंट ऑफ हेल है उसको काफ़ी डिटेल में और एगोनी के साथ दिखाया है, मतलब दर्द के साथ दिखाया है और नाराज़गी के साथ दिखाया है. वो बताते हैं कि जो हेल का जो सर्कल है, इनर मोस्ट जो एरिया है, वो काफ़ी टेरिबल है, भयानक है,
जहाँ पर जो पापी हैं उन लोगों को जिंदा बॉयल किया जाता है, किसमें, तो जो आग, जो लेक है उसमें आग जलती रहती है सल्फर की, और उसमें जिंदा लोगों को बॉयल किया जाता है, यानी कि खौलते हुए चीज़ में लेक में डाला जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कि काफ़ी पाप किए हुए रहते हैं, और जो है इसके, ये जो है एक्सटर्नल डार्कनेस वहाँ पे काफ़ी रहती है, अलोननेस रहता है, और वहाँ पर जो है वो लोगों को कॉज्ड किया जाता है, मतलब अब्यूजिव वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, जितना से जितना अब्यूजिव वर्ड वो यूज किया जाता है वहाँ के सिनर के लिए। हालांकि जो आउटर सर्कल है या फिर जो आउटर रीजन है हेल का, वहाँ पे जो है वो पनिशमेंट कम दी जाती है, लेकिन कम होने के बावजूद भी जो पनिशमेंट दी जाती है वो काफ़ी पेनफुल होती है और दर्दनाक होती है सिनर्स के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे द रोल प्लेड बाई हेल, जो ये पैराडाइज लॉस्ट पोयम है इसमें जो है हेल अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हेल है उसको फ्रस्ट्रेटेड मानते हैं हेवन ऑफ किंगडम वाले, मतलब हेवन जो है वो जो है हेल को एक फ्रस्ट्रेटेड और जो है एक बेकार की वस्तु मानते हैं। जो हेल है वो क्या है, ये रीडर्स को आने वाले खतरे का वार्निंग देता है, जहाँ पर जो लोग हैं वो जब राइट पाथ जो है रास्ता जो इसको छोड़ देते हैं तो उन लोगों को यह डेंजर दिखाने का काम हेल करता है। और उसी वक्त पे ये जो मिल्टन है वो दिखाते हैं कि जो हेल है वो उसी वक्त पे एक होप और सजेस्टिंग वाला भी प्लेस है, जहाँ पे वो ये दिखाता है कि जो लोग सीन से भरे हुए हैं, डिस्पेयर से भरे हुए हैं, वो लोग एक नया वे खोज सकते हैं अब गॉड के पास पहुंचने के लिए, चाहे वो फेथ के द्वारा हो चाहे वो सौरो के द्वारा हो। तो इस तरह से जो हेल है वो इस पोयम में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मिल्टन का बिलीफ हेल के बारे में। तो जो मिल्टन है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में हेल से रिलेटेड अपने बिलीफ, अपने विश्वास को दिखाया है और उन नेचर को दिखाया है कि वो क्या सोचते हैं सिन के बारे में और उसके परिणाम के बारे में। जैसा कि जो सैटर्न है वो गॉड के अगेंस्ट गया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था, उस विचारे में, उस बारे में उनका क्या विचार है उसको वो दिखाते हैं। जैसे कि जो हेल है वो क्या दिखाता है, तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चुअस लाइफ को दिखाता है, और यहाँ तक कि वह एक वार्निंग का भी काम करता है उन लोगों के लिए जो गॉड के लॉ का पालन नहीं करते हैं। और एट द सेम टाइम वो दिखाता है होप का आइडिया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सौरो के द्वारा और फेथ के द्वारा हम लोग अपना न्यू लाइफ ऑफ वे खोज सकते हैं, और जो अगर हम लोग जिस जो काम गलत किए हैं उसके लिए भी माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी लाइफ की एक फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो हेल ये भी इंडिकेट करता है, तो मतलब कि वो एक अच्छाई के साथ साथ एक बुराई का भी प्रतीक है। इसके अलावे जो सैटर्न का पनिशमेंट है हेल में वो सबसे नोटवर्दी है और इम्पॉर्टेंट वन है, क्योंकि जैसा कि जो सैटर्न है उसको दिखाया गया है कि जो वो गॉड के अगेंस्ट जाता है जिसके कारण उसको पनिशमेंट मिलती है। इस तरह से उसको जो पनिशमेंट मिलती है वो बिल्कुल चैन में बंधा हुआ रहता है, और सारे जो डेविल हैं कॉन्स्टेंटली उसके लिए अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, और जो सैटर्न है वो क्या होता है, एक हंसी का पात्र बनता है सारे फॉलन एंजल के लिए, क्योंकि वह जो है बहुत ही ताकतवर रहता है और इंटेलिजेंट रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गॉड से हार जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो सारे फॉलन एंजल हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं, एक तरह से वो लीडर का काम भी करता है, बस इसके बावजूद भी क्या है वो मजाक का पात्र बनता है। इसके अलावे जो मिल्टन है वो तरह तरह के पनिशमेंट को भी इस पोयम में दिखाते हैं कि किस तरह से, कौन सा पाप करने से, कौन सा सीन करने से किस तरह से उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब जो सीन है उसके नेचर को दिखाते हैं, क्राइम का वैरायटी को दिखाते हैं कि अगर आप सीन करते हो, अगर आप क्राइम करते हो तो उसे कौन सा क्राइम करने पर कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है हेल में। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो लोग किसी को धोखा देते हैं, उन लोग उनके साथ डिसलॉयल्टी रखते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, जो जो बर्फ़ का लेक होता है उसमें जमा दिया जाता है। और जो लोग क्या करते हैं, वॉयलेंस वाले एक्ट करते हैं, मतलब खून खराबा करते हैं, उन लोगों को जो डेमन्स रहते हैं वो तोड़ देते हैं उनके शरीर को। इस तरह से देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ क्राइम पर वैरायटी ऑफ पनिशमेंट हेल में है, जिसका वर्णन मिल्टन ने बखूबी अपने पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ही अच्छी तरह से किया है।
सो एट द एंड हम लोग देखेंगे कंक्लूजन. सो वी कैन से दैट कि जो मिल्टन है उन्होंने बहुत ही विविड और टेरिफाइंग पिक्चर हेल का प्रेजेंट किया है अपने पैराडाइज लॉस्ट में. तो जो डिस्क्रिप्शन है हेल का, उसके द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हेल है वो एक तरह से रीडर्स को वार्निंग देता है आने वाले खतरे के लिए, कि अगर आप पाप करेंगे तो आपको उस तरह से खतरा का सामना करना पड़ेगा, अपने लाइफ में उस तरह से आपको पनिशमेंट दी जाएगी. और एक तरह से वो एक होप का भी प्लेस है हेल, जहाँ पे हम लोग एक नया रास्ता खोज सकते हैं गॉड के पास वापस जाने के लिए. और ये फेथ के द्वारा ही संभव है कि हम लोग वापस से फॉरगिवनेस मांगें गॉड से और अपने लाइफ का एक न्यू वे में शुरुआत करें. सो यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म होता है. मैं आप लोगों को इसका जो PDF है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू.